नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और सेहत कैसी है आपकी? आप अपना बचाव कर रहे हो ना मास्क पहन के? जब भी ठीक होंगे तभी तो स्पोर्ट्स खेल सकेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है? अच्छा, आपको ये COVID-19 के वक्त देखा होगा ना, पुलिस जो होते हैं वो रास्ते पे खड़े होते हैं, हाँ मास्क नहीं पहनते तो कितना डांटते हैं। हमेशा आपने उनको कैसे देखा है? बड़े गुस्से में देखा है ना। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आप इसको पुलिस बोलते हो ना, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? थानेदार बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैं हूँ तगड़ा थानेदार। ये एक हास्य कहानी है। इसमें जो थानेदार हैं सारे वो कैसे किस तरह से भेष बदल कर और नौटंकी करते हैं, ठीक है? इसमें कुछ पहलवान हैं जो घूमने जा रहे हैं, उनको बीच रास्ते में डाकू पकड़ लेते हैं, वो कैसे अपना उनसे पीछा छोड़ाते हैं, आइए हम लोग इस कहानी में जानेंगे। तो आप रीडिंग करना चाहेंगे कि वीडियो देखना चाहेंगे? अच्छा, तो आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो चले वीडियो देख लें। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सेट हो वीडियो देखने के लिए, जिसका शीर्षक है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हास्य ये कहानी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर घर पे इसका रीडिंग भी करना है ना, और उसके बाद हम छोटा सा वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है? सो चिल्ड्रन ऑल सेट? यस। कुछ पहलवान है वो मिलकर एक साथ बस में घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंची, रास्ता रोके, सामने खड़े डाकू नजर आए। पहलवानों की तो जैसे जान निकल गई। धीरे धीरे बस रुक गई। एक बार क्या हुआ, कुछ पहलवानों ने नक्की किया साथ में घूमने जाना है। जैसे ही वो घूमने जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनको किसने घेर लिया? डाकू ने घेर लिया। फिर उनका क्या हुआ आपको पता है? डाकुओं ने बस से सबको नीचे उतारा। डाकुओं से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था क्योंकि उनके पास हथियार थे। तो क्या हुआ, उनको धमकी दी गई। किसने धमकी दी? डाकुओं ने पहलवान को धमकी दी, बोला तुम लोग सब पहले बस से उतरो और तुम्हारे पास जो भी पैसा जेवर सब कुछ है वो किसके हवाले कर दो? हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुमको क्या होगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। अब वो क्या करते बेचारे, वो कैसे मुकाबला करेंगे डाकुओं का? उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे वो, अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे? उनको तो बहुत भय लग रहा था ना डाकुओं से। तो क्या होगा, वो सारे के सारे मारे जाएंगे क्या? अभी देखते हैं, ठीक है? पहलवानों ने तुरंत अपने अपने रुपए पैसे उनके सामने रख दिए। डाकुओं ने सब कुछ समेट कर गठरी बनाई और चलने लगे। ये
हमारी तो नाक कट गई, हम तो पहलवान होकर भी, क्यों नाक कट गई, हम तो पहलवान होकर भी डाकुओं का सामना नहीं कर पाए, हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, इतना सारा उनको इंसल्टिंग फील हुआ पता है। फिर वो आपस में विचार करने लगे, जब ये डाकू पूरा सामान लेकर निकल पड़े तो उन्होंने कुछ प्लानिंग किया पता है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कुछ आइडिया लगाए, लेकिन क्या आइडिया लगाए डाकुओं को पकड़ने के लिए, आइए देखते हैं। Thank you.
बजना गाना जाए। Yeah.
सुनते जाओ किया काम करने को बोलते हैं। पहलवान नौटंकी दिखाने लगे तो क्या होगा? डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, आपको पता है ना, उसको ही क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जीप में बैठे पहलवान ने गाना शुरू कर दिया। गाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। सभी डाकू गिरफ्तार हो गए। ओ गुड वर्क, शाबाश। तो कैसा रहा वीडियो और वर्कशीट? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में जरूर उतारेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।